जीनिश पुलिस के दर्शकों नमस्कार दोस्तों, माननीय विधायक महोदय के निवास पर अपना घर सेवा समिति के लिए पहुँचे हैं और उन्होंने गंगापुरशी में अपना घर सेवा समिति जमीन देने की घोषणा की है और लोगों ने मांगी है, क्योंकि हिंडौन में भी अपना घर खुल चुका है। उसी की तर्ज पर अपना घर समिति के लोगों ने गंगापुरशी में भी खोलने का निर्णय किया है और विधायक महोदय ने जमीन देने की बात कही है। अपना घर सेवा समिति गंगापुरशी में खोले और यहीं प्रबुद्ध जनों की सेवा हो सके। आपको भी गिरदारी जी, आपको जरूरत है क्या तेल की? कितना? तो कम बाद में अभी इसके साथ साथ भिजवा भी इनसे लेते रहना पड़ता। अपना घर सेवा समिति के लोग माननीय विधायक महोदय के निवास पर आए हैं और पूरी गंगापुरशी की जो कमेटी है, पूरी संस्था है, पूरी लोग यहाँ पर और एमएलए साहब का स्वागत भी किया। जिस तरह से हिंडौन में
हिंडौन वालों ने अपना घर समिति का खोला है, उसी तरह यहाँ खोलने की मांग की है गंगापुरसड़ी में। और माननीय विधायक महोदय ने पूरी तरह से आश्वासन दिया है और प्रशासन के अधिकारियों को भी बुलाया है यहाँ पर। सर क्या कहना चाहेंगे जमीन की मांग की? अपना घर सेवा समिति गंगापुर सिटी के सभी लोग आए हुए हैं। अपना घर सेवा समिति में 271 मेंबर हमारे पुरुष इकाई में हैं, 70 मेंबर हमारी महिला इकाई में हैं। और अपना घर आश्रम भरतपुर चल रहा है, उसी के अधीन यहाँ सेवाएं दी जा रही हैं। और ऐसा है बेसहारा लोगों को, लाभार्थ लोगों को पहुँचाने का कार्य हमारी समिति करती है, तो पहुँचाने के लिए भरतपुर ही भेजना पड़ता है उनको। आज माननीय विधायक महोदय के निवास में पूरी सत्ता आपकी आई हुई है, क्या मांगी विधायक महोदय से? नहीं, हम क्या है कि एक्चुअल जिला बनाने के लिए इनका स्वागत सम्मान करने आए थे, और हमने हमारी आश्रम के लिए ज़मीन की दरकार थी, तो हमने पूर्व में भी निवेदन कर रखा है एमएलए साहब को, और तो आज भी मतलब वही निवेदन है हमारा, तो कि यहाँ आश्रम खुल जाए तो हमें काफ़ी राहत मिल जाएगी, हमें मानी भेजने पड़ेगा। माननीय विधायक महोदय ने पूरी तरह आश्वासित किया आपको ज़मीन देने के लिए, और 100 मन सरसों देने के लिए तेल के लिए भी? बिल्कुल बिल्कुल, माननीय विधायक महोदय ने हमें पूरी तरह आश्वस्त किया है, और आश्रम के लिए भी आश्वस्त कर रहे हैं, चार का जमीन देने के लिए भी आश्वस्त कर रहे हैं। और इसी क्रम में प्रशासनिक अधिकारियों को भी बुलाया है? इसी क्रम में सारे प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाया है, सभी ने अपना घर आश्रम की बहुत अच्छी तारीफ की है, और उन लोगों ने जिन्होंने देख रखा है इसको, एडिशनल स्टाफ ने भी मतलब भरतपुर का आश्रम देख रखा है, आपने भी बहुत अच्छे जो है काफ़ी सिफारिश की है। लेकिन हमारे एडीएम साहब की या एसडीएम साहब को भी बुलाया गया है यहाँ पर, और सारे के सारे संस्था के लोग एक मिनट बहुत मुश्किल का काम है, एनजीओ है। देख रहे हैं अपना घर सेवा समिति के लोग माननीय विधायक महोदय के निवास पर पहुँचे हैं, और माननीय विधायक महोदय ने भूरी भूरी इनके लोगों की प्रशंसा भी की है। और रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है?
गंगापुर का लोन है यार, भरतोड़ा मतलब भाई ये भरतपुर वाले से तो मिलेगी नहीं। हाँ गंगापुर वाले से उसकी तर्ज पर यहाँ ऐसा स्थापित नहीं 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 वो तो बना हुआ है वहाँ तो उनको वहाँ नहीं ले जाना पड़े इसके लिए बनवा रहे हैं संचालन नहीं करे देख रेख कोई करेंगे जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपरेटिव 2022 सब्सक्राइब करो 201 201 मोदी गाली ये तो हमारी तरफ से जो है ना शाम प्यारे की जय। वो है ही हमारा माननीय विधायक महोदय की तरफ से अपना घर सेवा समिति को 2 लाख रुपए नकद दिए गए और तेल की भी घोषणा की गई है सोमवार सरसों की और जमीन जमीन देने की भी घोषणा की है। आप इधर आ जाओ सभी लोग दो लाख रुपए माननीय विधायक महोदय की तरफ से दिए गए हैं। 11 अपना घर समय समिति को सर 2 लाख रुपए दिए गए हैं और जमीन की देने की भी वादा किया गया सर और तेल सोमवार सरसों के लिए तेल भी दिया गया। देखो आज अपना घर सेवा समिति के लोग मेरे से मिले हैं। पहले भी जब हमने धूनी पर प्रोग्राम किया था उस समय भी जो भागवत कथा की थी धूनी पर उस समय भी अपना घर सेवा समिति के तमाम महानुभाव वहाँ पर भी गए थे और इनके सेवा कार्य को देखते हुए आज हम सब लोगों ने ये तय किया है कि हम सब मिलकर के मदद करें। आज अभी 2 लाख रुपए की राशि नगद हमने सेवा समिति को दी है और इसके साथ साथ मेरे यहाँ से अभी जो प्रोडक्शन हुआ है उसमें से 100 मन सरसों करीब 40 कुंटल सरसों मैंने अभी हनुमान नारोली वाले जो जिनके यहाँ मिल है स्पिलर लगे हुए हैं तो वहाँ पर उसकी तेल निकाल करके और पूरा के पूरा तेल अपना घर सेवा समिति को हम लोग भरतपुर भेजेंगे और अपना घर सेवा समिति के लोगों ने गंगापुर में भी सेवा करने की इच्छा जाहिर की है जमीन की मांग की है। मैंने आज ही कलेक्टर साहब को लेटर लिखा है और मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से ऐसी पीड़ित मानवता की सेवा करने वाले लोगों की जितनी मदद की जाए उतनी कम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी ये पक्ष रखूँगा जिला कलेक्टर महोदय को भी अपना पक्ष रखूँगा और नियमों से परे हट करके भी सरकार के लेवल पर जो मदद हो सकती है वो हम लोग कराएंगे। ये हमारे पास कोई शब्द नहीं है इनके जो काम हैं इनका जो ये लोग जो अपना धर्म मानवता का निभा रहे हैं हमारे पास इनकी प्रशंसा के लिए कोई शब्द नहीं है। मैं पूरे तन मन से हमेशा मैं आज मेंबर भी बन गया हूँ इनका और पूरे जिंदगी भर इनके साथ रह करके और जो हमसे मदद बन पड़ेगी जो काम हमसे हो सकेगा जो मदद हो सकेगी वो पूरी मदद करेंगे और पूरी सेवा करेंगे। अपना का समिति के लोगों ने हजारों विक्षिप्त लोगों को यहाँ से गंगापुर से भरतपुर पहुँचाया
और अपनी जेब के पैसे लगाए हैं। इसीलिए सब इनकी बातें सुनने के बाद में हमें ये लगा है कि वास्तव में इस सेवा क्षेत्र से जुड़ना चाहिए और जो लोग निस्वार्थ भाव से इसमें काम कर रहे हैं उनकी मदद करनी चाहिए। अभी हमने ये भी देखा है कि इनको एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है, मैंने सीओ जिला परिषद से भी बात की है, मेरे विधायक कोटे से अगर एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ेगी और उसमें अनुमति अगर है तो मैं एम्बुलेंस भी इनको देने के लिए मैंने हाँ किया है। अगर बाई द वे एम्बुलेंस अगर सरकारी नियमों में अनुमत नहीं है तो जो हमारे एम्बुलेंस सरकारी सीएससी पीएससी में जो जनरल हॉस्पिटल में जो है उनमें भी उस एम्बुलेंस का भी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग ये कैसे कर सकते हैं उसके लिए जिला कलेक्टर महोदय को हम निवेदन करेंगे, उनसे कहेंगे कि जब भी इनको ज़रूरत पड़े कोई ऐसा विक्षिप्त व्यक्ति या कोई पीड़ित व्यक्ति या कोई बीमार व्यक्ति अगर इनको मिले तो ये उस एम्बुलेंस का उपयोग कर सकें। क्योंकि भरतपुर की तरफ से हिंडौन वालों ने अपना घर हिंडौन में खोल दिया है और यहाँ गंगापुर सिटी के लोग अभी फिलहाल हिंडौन में ही पहुँचाए जा रहा है उनको। हम चाहते हैं कि ये संस्थान गंगापुर में काम करे, पीड़ित मानवता का जो काम है ये गंगापुर के लोग किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। चाहे अपने यहाँ पर जो इंदिरा रसोई का काम चल रहा है आप देखिए, इंदिरा रसोई में भी गंगापुर के लोगों ने कीर्तिमान स्थापित किया है, एक पैसा भी उन लोगों से नहीं लेते, 8 रुपया भी हम लोग हमारे जो गंगापुर सेवा समिति है उसकी तरफ से जमा कराते हैं। उसी तर्ज पर हम अपना घर सेवा समिति की सेवा करेंगे। एक शानदार तोहफा दिया माननीय विधायक महोदय ने, और इसी तरह पर गंगापुर में भी खुलेगा और 2 लाख रुपये और जल्द खुलेगा गंगापुर सिटी में अपना घर। अपना घर समिति के पदाधिकारियों के द्वारा माननीय विधायक महोदय का जिला बनाने पर स्वागत किया जा रहा है। ये तो समझ मात्र भेज दो और माननीय विधायक महोदय अपना घर सेवा समिति के मेंबर बन चुके हैं, रसीद उनको दे दी गई है और जिला बनाने पर अपना घर सेवा समिति के द्वारा मिठाई खिलाकर स्वागत किया जा रहा है। और जिला बनाने पर माननीय विधायक महोदय हमारा सारा कलाकार दिल्ली किया जा रहा है स्वागत। विधायक रामकेश मीणा, विधायक रामकेश मीणा, जिंदाबाद श्याम प्यारे की जय। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय। अपना घर सेवा समिति के द्वारा माननीय विधायक महोदय का स्वागत किया जा रहा है और तस्वीर भी भेंट की जा रही है। महिला का साथ।
भाई महिलाओं को आगे ले लो थोड़ा, महिलाओं को आगे ले लो। आने वाले कलेक्टर, आने वाले क्या, जब तक है तब तक तो कलेक्टर साहब यही पहले से ही थे, मतलब मैं इनको पहले ही कलेक्टर कहता था। अब हो गए, अब वही गए, अब वही गए, कहता भी था, अब वही गए। साधु संत होते हैं ना, पहले इशारा कर देते हैं, संकेत दे देते हैं, संकेत दे दिए इन्होंने पहले, अब वही गए ना। एसडीओ साहब को और संख्या में भी नौ ही दिखती है, नौ देवियों का महीना चल रहा था, महीना भी देवियों का ही चल रहा था। मैं तो भगवती को मानने वाला आदमी हूँ, तो देखो आज दर्शन हो गया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत खुशी का काम है। अब साइड में अपनागर सेवा समिति के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। माननीय विधायक महोदय ने 2,00,000 रुपये नगद और सोमन सरसों देने की घोषणा की है और साथ में जमीन भी गंगापुर सिटी में हिंडौन की तरफ से बनाने की घोषणा की है। और माननीय विधायक महोदय का एक बार तहे दिल से शुक्रिया, और गंगापुर सिटी की जनता को माननीय MLA साहब पहले ही तोहफा दे चुके हैं जिला बनाकर, और काफ़ी करोड़ों रुपये का घाटा खाने के बाद अपने लिए कुछ MLA साहब ने कुछ नहीं मांगा, और 5-10 साल तक इंतजार किया और MLA साहब ने शानदार तोहफा जनता को दिया है। गंगापुर सिटी की धन्यवाद MLA साहब को, पूरी गंगापुर सिटी की जनता जय जयकार कर रही है माननीय MLA साहब की। MLA साहब क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने जैसे आपको बताया, जिस तरीके से गंगापुर सेवा समिति गरीब लोगों की मदद कर रही है, और सबसे बड़ी बात है मेरे साहब, निस्वार्थ, कोई धर्म नहीं देखती है, सबकी एक साथ। 8 रुपये जो प्रति व्यक्ति को देना होता है वो भी गंगापुर सेवा समिति के माध्यम से हम लोग देते हैं। लगातार गंगापुर की जनता और आसपास के जो बेसहारा लोग हैं उनकी हम लोग सेवा कर रहे हैं, और इसी तर्ज पर ये जो अपना घर सेवा समिति है इसका जो पुनीत कार्य है ये तो और भी आगे बढ़ कर के है। पीड़ित मानवता के वो लोग जो बेसहारा हैं, जो स्टेशन पे या कहीं बे
बेसहारा हैं, आप बेस्थिति में पड़े हुए हैं, जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, जिनका कोई रखवाला नहीं है, घर वालों ने जिनको बाहर निकाल दिया, ऐसे लोगों को अपना घर सेवा समिति अपना करके और उनकी पूरी ज़िंदगी भर उनकी सेवा करती है। करीब 4,500 लोग ऐसे हैं जिनको वहाँ पर एडमिट किया हुआ है, पूरी तरीके से उनके खाने पीने रहने करने की व्यवस्था अपना घर सेवा समिति कर रही है। आज ये सारे पदाधिकारी हमसे मिले हैं, तो मैंने जितना हो सका मदद की है और आज से मैं परमानेंट मेंबर अपना घर सेवा समिति का बन गया हूँ। पूरे जीवन भर उनके साथ रह करके मैं भी सेवा करूँगा और मैं गंगापुर के लोगों से अपील करता हूँ कि ऐसे जो महानुभाव हैं जो गंगापुर सेवा समिति से जुड़े हुए हैं, अपना घर सेवा समिति से जुड़े हुए हैं, वो सब मिल करके और इन लोगों की मदद करें और उनके लिए जो हो सकता है वो इनका सहयोग करें। अपना घर सेवा समिति के द्वारा जो चलाई जा रही भरतपुर, एक बार वहाँ पर जाने का भी निर्णय किया आपने? भरतपुर भी जाएंगे और सब लोगों को साथ लेकर के जाएंगे। वहाँ पर जो गतिविधियाँ चल रही है, जो सेवा का कार्य चल रहा है, उसका हम लोग वहाँ पर निरीक्षण करेंगे, देखेंगे और उसमें हम लोग क्या सुधार कर सकते हैं, उसमें क्या तरीके से हम और मदद कर सकते हैं, ये हम करेंगे। जिला कलेक्टर महोदय को भी मैंने अभी पत्र लिखा है, गंगापुर में 5 बीघा जमीन दिलाने की कोशिश करूंगा। मेरी अनुशंसा मैंने अभी कर दी है, एसडीओ साहब को कॉपी दे दी है और जल्दी ही जमीन देख करके और इनको जमीन भी उपलब्ध करवाएंगे, इनका भवन निर्माण करने में भी मदद करेंगे। धन्यवाद किया है माननीय एमएलए साहब ने। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें। अब आ जाओ, अब आ जाओ, आ जाओ।